श्रीलंका ने एक बार फिर से लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए इंग्लैंड को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2003 से लेकर 2007 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, लगातार इतने समय से यानी 2003 से लेकर अब तक श्रीलंका इंग्लैंड को हराते हुए आ रही है। चलिए शुरू करते हैं 2023 का मुकाबला। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो टॉस इंग्लैंड ने जीता और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। फिर इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए या फिर बस खेलने आए जॉनी बेस्टो और डेविड मिलान। उसके बाद बेन स्टोक ने पारी संभाली, बाकी सब तो आते गए जाते गए सनम। जो रूट ने 3 रन बनाए, कैप्टन जॉस बटलर कुछ खास नहीं कर पाए, 8 रन। लिविल इंस्टन 1 रन, मोइन अली 15 रन, क्रिस वॉक्स अंडा देकर चले गए, डेविड विली 14 रन, आदिल रशीद 2 रन, मार्क वुड 5 रन। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं बल्कि इंग्लैंड का स्कोर कार्ड है। इंग्लैंड की टीम ने 33.2 गेंद खेली और पूरा ओवर खेलकर 156 रन बनाए और 156 रन पे ऑल आउट हो गई। बात करें श्रीलंका की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो श्रीलंका की बॉलिंग डिपार्टमेंट में मधुशंकर ने 5 ओवर में 37 रन दिए, इनके हाथ एक विकेट नहीं लगा। रजिथा ने 7 ओवर में 36 रन दिए और इनके हाथ 2 विकेट लगा। महेश तिक्षणा ने 8.2 ओवर में 21 रन दिए और इनके हाथ 1 विकेट लगा। मैथ्यूज के हाथ 5 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लगा और उन्होंने 1 ओवर मेडन भी डाला। एल कुमार ने 7 ओवर में 35 रन दिए और इनके हाथ 3 विकेट लगा। डी सिल्वा 1 ओवर में 10 रन दिए और इनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा। फिर बात करें श्रीलंका की तरफ से बैटिंग करने आए निशलंका और परेरा, उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए निशलंका ने 83 गेंदों में 77 रन की पारी खेली। नाबाद 83 गेंदों में 77 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 6 और 2 छक्के शामिल थे। इनका स्ट्राइक रेट 92 का था। और वहीं परेरा जल्द ही आउट हो गए डेविड विली की एक निकलती हुई गेंद पर, बेन स्टोक को कैच समा बैठे। उन्होंने 5 गेंदों में 4 रन की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने 12 गेंदों में 11 रन की पारी खेली और वो भी जल्दी चल पड़े, लेकिन समर विकेटानंद 54 गेंदों में 65 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक 120 का था। टोटल 25.4 ओवर में श्रीलंका ने आराम से आसानी से स्कोर 156 रन का स्कोर चेस कर लिया और छक्का मार के श्रीलंका को अपनी टीम को मैच जिताया। बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो क्रिस वॉक्स ने 6 ओवर में 30 रन दिए, डेविड विली ने 5 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं आदिल रशीद ने 4.4 ओवर में 39 रन दिए और 1 विकेट नहीं लिए। मार्क वुड ने 4 ओवर में 23 रन दिए और लियाम लिविंगस्टन ने 3 ओवर में 17 रन दिए। मोइन अली ने 3 ओवर में 21 रन दिए। और बात करें फास्टेस्ट बॉल ऑफ द इनिंग का, तो सबसे फास्टेस्ट बॉल वही मार्क वुड ने डाला, सबसे तेज बॉल डाला।